लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन, कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुआ सीलिंग प्रशिक्षण। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने जनता के बीच बनाई पैठ, सघन जनसंपर्क जारी। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू भी कमर कसकर मैदान में, राजपाल चौक में किया जनसंपर्क। और चैत्र नवरात्र पर प्रारंभ है माता की आराधना और अनुष्ठान, रेलवे इंस्टीट्यूट में सजा श्री राम दरबार। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूँ प्रतिभा वीरेन। और अब खबर विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास शर्मा के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन 2019 और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां प्रारंभ है। विभिन्न स्तरों पर मतदान दलों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर ठाकुर राजेंद्र सिंह और डॉक्टर पी एन सनेसर ने सीलिंग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया। कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए आरओ लेवल पर 3 एड्रेस टैग की आवश्यकता है। वीपैड सील के लिए 3 एड्रेस टैग और बैलेट यूनिट को सील करने के लिए 4 एड्रेस टैग। इस प्रकार से 10 एड्रेस टैग आरओ लेवल पर, यह संख्या उम्मीदवारों की संख्या के मान से बढ़ भी सकती है। चर्चा में बैलेट यूनिट पर एड्रेस टैग कहाँ लगा जाए, इस पर हम चर्चा करें। ये ध्यान रखिए कि बैलेट यूनिट में आरओ लेवल पर 4 एड्रेस टैग लगाए जाएंगे और इस एड्रेस टैग में बैलेट यूनिट का क्रमांक लिखा जाएगा। ये एड्रेस टैग कहाँ लगेंगे? अगले 3 एड्रेस टैग बैलेट यूनिट के सबसे ऊपरी और नीचे वाले भाग पर लगाए जाएंगे और वो किस प्रकार से लगे हुए यह आप इस चित्र में देख रहे हैं। कंट्रोल यूनिट पर एड्रेस टैग हमें यथास्थिति, जो हमारा दूसरा सेक्शन है जहां पर बैटरी और कैंडिडेट सेट किया गया है, इस सेक्शन पर आरओ लेवल पर एड्रेस टैग लगाकर इसे सील किया जाएगा, जो चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं। जब इस मशीन को सीयू मशीन को उसके संबंधित कैरिंग बॉक्स में रख दिया जाए या बैलेट यूनिट को लटकाया जाएगा, ये ध्यान रखिए इसे सील नहीं किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं वीपैड पर एड्रेस टैग कहाँ कहाँ लगाने हैं। जैसा कि आपको हमने पूर्व में जानकारी मिलाया है, जब वीपैड के एड्रेस टैग की हम चर्चा करें तो प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी अब चुनाव प्रचार को गति दी है। प्रमुख नेता अपने दलों के प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क अभियान में हैं। अनुभवी कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना एक अरसे पहले से जनता के बीच हैं और लगातार जनसंपर्क कर पकड़ बनाए हुए हैं। आज उन्होंने दुर्गा चौक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। लेकर आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीपक सक्सेना जी उपस्थित है। भाई हमारी संस्था है, इसको हम ऊंचाइयों की पहुंचाएंगे और ये जितनी ऊंची जाएगी हमारा गौरव रहेगा। ये चुनाव सबसे जरूरी चुनाव हर साल 5 साल में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये चुनाव अब छिंदवाड़ा के आने वाले भविष्य का चुनाव, भविष्य इसलिए 40 साल तक तो कमलनाथ जी ने हमारा नेतृत्व करे। अब आज हमारे सामने नए नेतृत्व है रघुनाथ जी के रूप में, और जहाँ कमलनाथ जी की बात है वो हमारे अपने हैं, हर व्यक्ति के परिवार के, अमीर गरीब कोई जात पात नहीं, जब भी जैसी जरूरत होगी कमलनाथ जी ने सबका साथ दिया। दुख की बात हो, इलाज की बात हो, विकास की बात हो, हर समय कमलनाथ जी ने सबकी मदद की है। और ऐसा कोई आदमी दूसरा नहीं, परिवार का व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिस तरह कमलनाथ जी सबकी मदद करते हैं। आप सबके सहयोग से जब मध्यप्रदेश की सरकार बनी, 15 साल से भाजपा को हमने देखा था, वादे खूब थे, मोदी जी हों चाहे शिवराज जी हों, लंबे चौड़े वादे कि 50,000 किसानों को माफ करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, हर तरह के वादे थे, स्वर्णिम दिन आ रहे हैं। लेकिन क्या मिला सब लोगों को, पूछना चाहता हूँ, अभी तो आप चुनाव को 20 दिन है, आप बताइए कौन सा इस क्षेत्र में आएगा, मोहन भाई इस क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति है, लालू जी
जिसको 5 आदमी को नौकरी मिली हो, चाहे वो मुस्लिम वार्ड हो, चाहे छोटी बिहार का वार्ड हो, चाहे दादा का वार्ड हो, कौन सा एरिया, दादा वाला एरिया मतलब छोटा तरह वाला, ये हमारा ठेकेदार जी का, सत्तार भाई का, बबलू का सफर एरिया है, कोई 5 आदमी को जहाँ उसको नौकरी दी और टीवी को पूरा कंट्रोल। राजीव मोदी जी जिस तरह हरकत कर रहे हैं, अभी राफेल सौदे का आज देखिए आपने कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उनके विरोध में आया, और उसी तरह आप देखिए जो गाड़ियाँ कल कमलनाथ जी के नाम से दिखा रहे थे, कमलनाथ जी का आदमियों के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी मिली, आज टीवी में क्लियर हुआ है कि वो सारी गाड़ी भाजपा के शासन के काल में खरीदी गई, अभी दो दिन में नहीं खरीदी। और जो आदमी कट्टर आज कमलनाथ जी से जुड़ा हुआ बताते हैं भाजपा के नेताओं के साथ, भाजपा के मंत्रियों के साथ पूरा ये लोग शुरू से जुड़े रहे हैं, पूरे आज टीवी पूरे आपके सामने। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने स्वर्गीय वरिष्ठ पत्रकार जियाफत कुरैशी बाबा भाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के युवा नेता विवेक बंटी साहू ने भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रहते हुए पार्टी के लिए अच्छा काम किया था और अब छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जनसंपर्क प्रारंभ करते हुए आज राजपाल चौक क्षेत्र में समर्थन जुटाया। बंटी भाई आए मिलने आपसे, पूरा सहयोग लगेगा, सबको बोलना है। डॉक्टर राजकुमार जायसवाल जी की स्मृति में आज चार फाटक के पास निशुल्क होम्योपैथी दवाखाने का शुभारंभ हुआ। शहर के ख्यातनाम होम्योपैथिक चिकित्सकों की उपस्थिति में दवाखाने का उद्घाटन किया गया। Thank you.
आज विश्व हुमरा दिवस स्वर्गीय श्री डॉक्टर राजकुमार जायसवाल जी की स्मृति में हमने निःशुल्क होम्योपैथी काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास शहर के लगभग सभी वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सक आज अपनी सेवाएं यहां पर देख रहे हैं। ये जो क्लिनिक है एक्चुअल में स्वर्गीय डॉक्टर श्री राजकुमार जी जायसवाल जी का है, जिन्होंने लगभग 30 वर्ष सफलतापूर्वक यहाँ प्रैक्टिस की और सिर्फ सेवा उनका एक मेन उद्देश्य रहा। उनकी प्रैक्टिस में लोगों को कभी कोई ज़्यादा पैसों का या उसका कोई मैटर नहीं, उनने सेवा किया और आज उनके ना रहने के बाद उनकी इस क्लिनिक को हम लोग वापस एक क्लिनिक में चलाएंगे, जिसे दोपहर 12 से 3 तक हम डेली चलाएंगे। वो क्लिनिक एक निःशुल्क होगा और लगभग इसमें हम हर प्रकार की बीमारियों का इलाज करते हैं। लाइफलाइन स्कूल के शिक्षकीय स्टाफ ने आज वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को भोजन कराया और फल वितरित किए। दादा को मत दबाओ, मैं तो वही सर, हमारे प्रसन्न शिक्षा विकास समिति द्वारा शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। हम लोगों का लाइफलाइन स्कूल संचालित होता है। हमारे जितने भी सदस्य हैं लाइफलाइन स्कूल के, उनके बर्थडे में हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि जब भी उनका बर्थडे हो तो हम ऐसे ही समाज सेवा के कार्य करें बर्थडे पर। कई बार वृद्धाश्रम जाना और भी जो समाज से जुड़े संस्थाओं पर जाना, ये इसलिए हम कृत संकल्पित हैं। इसलिए आज इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम लोग यहाँ पे आए और वृद्धों को स्वल्पाहार और खाने की व्यवस्था हमारी समिति द्वारा की गई। मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग इस मुहिम का एक हिस्सा बने। जो बर्थडे सेलिब्रेट ऐसी जगह में करें, वृद्धों के बीच में आके सेलिब्रेट करें, जिससे एक समाज में अच्छा मैसेज जाए। जो पैसे की बर्बादी करते हैं, जो दूसरी जगह जाते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं, दारू में और दूसरी चीज़ों में जो पैसा बर्बाद करते हैं, वो वृद्धों के बीच में आके इनका आशीर्वाद प्राप्त करने में। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिले का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल शहर के बीचों बीच शांत एवं सुरम्य वातावरण के बीच स्थित लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, जहां आप पाएंगे अपने घर जैसी सुविधा, अपने घर जैसे माहौल के बीच लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल। 24 घंटे पानी एवं बिजली की सुविधा, पीने के पानी हेतु आरओ की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त फर्नीचर, नव निर्मित इमारत, पढ़ाई के लिए शांत वातावरण, बाइक स्टैंड एवं पार्किंग की सुविधा, सोलर गीजर द्वारा गर्म पानी की सुविधा, वाईफाई की सुविधा के साथ साथ पूर्णता वातानुकूलित रूम एवं प्रशिक्षित कुक द्वारा स्वादिष्ट भोजन के साथ मेज की सुविधा। तो आइए, आपका स्वागत है जिले के सबसे बड़े और सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल में, लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, परासिया रोड, साईं मंदिर के पीछे, वार्ड नंबर 45, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम,
दो एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, दो भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, तीन बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सृष्टि माता मंदिर में प्रतिवर्षानुसार नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर फलाहारी भंडारे का आयोजन प्रारंभ है। माता रानी के भक्तों द्वारा यह फलाहारी भंडारा श्री राम नवमी तक अखंड जारी रहता है। स्थापना होती है जिसमें हमारे यहाँ पर अभी इस समय 851 कलश की स्थापना हुई है और रोज भंडारे के फलाहारी भंडारे की व्यवस्था की जाती है जो
षष्ठी माता मंदिर, षष्ठी माता मंदिर की ओर से किया जाता है। मन्नत वाले राजा भंडारा होता है। कब तक चलेगा ये भंडारा? ये 9 दिन चलेगा हमारा, 9 दिन भंडारा रहेगा। उसके बाद हमारा एक सार्वजनिक भंडारा अलग होता है, उसमें हम 10वीं में अलग से भंडारा करते हैं। मेहता कॉलोनी में माता रानी के भक्तों ने जस गायन कर जगदम्बे की आराधना की। एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर रेलवे इंस्टीट्यूट में भगवान श्री राम की सुंदर झांकी स्थापित की जाती है। श्री राम दरबार की सुंदर झांकी के दर्शन कर श्रद्धालु धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। लोनिया करवल क्षेत्र में इन दिनों मथुरा वृंदावन सा धार्मिक वातावरण बना हुआ है। स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है और भक्त ने बुलाया और भगवान पूरे दरबार के साथ आ गए। राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी महाराज भी आ गए और भक्त बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। आ गए प्रभु, हमें मालूम था आप कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे और तो सब ठीक है। आप आए, पत्नी को भी ले आए, भैया को भी ले आए, पूरा खानदान ले आए और साथ में एक बंदर को भी पकड़ लाए। अब तो हद कर दी प्रभु, लेकिन ध्यान रखो प्रभु, हमने भोग बनाया ही नहीं है। क्यों कि अब हमें तो मिलनी नहीं है, अब तो आप ही बनाओ और आप ही खाओ। और देखिए ये सरलता है, अगर भक्त का मन सरल है तो आज सीता मैया चौका बना रही हैं। भरत जी जो संपूर्ण जगत की व्यवस्था करते हैं, भंडारा व्यवस्था कर रहे हैं, हनुमान जी पोंछा लगा रहे हैं, तो भगत के बस में है भगवान। Yeah.
के प्रसिद्ध काली माता दरबार में आज देवी भजनों की प्रस्तुतियों से माता की आराधना की गई। नवरात्रि पर शहर के विभिन्न मंदिरों में लगातार धार्मिक अनुष्ठान जारी है। परम संतोष श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भजन अनुष्ठान और आरती में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन, कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुआ सीलिंग प्रशिक्षण। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने जनता के बीच बनाई पैट, सघन जनसंपर्क जारी। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू भी कमर कसकर मैदान में, राजपाल चौक में किया जनसंपर्क। और चैत्र नवरात्र पर प्रारंभ है माता की आराधना और अनुष्ठान, रेलवे इंस्टीट्यूट में सजा श्री राम दरबार। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।